यही है जो चित्रकूट गया हुआ है। Hey guys, welcome back my YouTube channel Vlogs Roll पे फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। अभी मैं हूँ चित्रकूट पे। अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं नारायण पॉल मंदिर देखने के लिए, भी दर्शन करते हैं। जब इतना दूर आए हैं तो दर्शन किए बगैर मैं नहीं जा सकता, तो आप लोगों को भी मैं दिखलाता हूँ। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है चित्रकूट से। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं चित्रकूट से और यहाँ पे दुकान लगा हुआ देखिए, ये सब सामान बेचते हैं 100 रुपया। ये देखिए भाई, सवास तगड़ा है, 120। तो इस तरह से मार्केट लगा के रखे हुए हैं दादी जी और ये सब खरीदारी सब करते हैं। ये धूप है, ये है पूरा धूप, फल वगैरह भी यहाँ पे। मैडम जी पूछ रहे हैं ये क्या है करके, बताओ भाई क्या है। नाव? अरे वाह, कितने का है, कितने में बेच रहे हो? उधर गए हैं, अच्छा नहीं पता। चलो हमारे भाई तो भाई वीडियो शूट करने में लगा हुआ है, बोल रहा हूँ नारायण फॉल चलते हैं। चले चित्रकूट जलप्रपात से अब हम लोग निकल रहे हैं। शाम के समय में अभी माहौल रहेगा, अभी तो दोपहर, अभी भी लोग आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए। और यहाँ पे जगह जगह पे नल दिया गया है, छोटे छोटे गुड़िया लोग जा रहे हैं। घर जा रहे हो? छुट्टी हुआ? छुट्टी हो गया। मैं भी बचपन में ऐसी झोला पकड़ के स्कूल जाया करता था, छोटे से भाई को देख के अपनी बचपन याद आ गई मुझे। मम्मी मुझे छोड़ने के लिए स्कूल जाती थी और मैं स्कूल से भाग के वापस आ जाता था। वहाँ ज़्यादा शरारती था बचपन में, पढ़ाई लिखाई के मामले में मैं एवरेज था और स्कूल से इतना बंक मारता था ना, कभी पेट दर्द के नाम से स्कूल नहीं जाना है तो इतने सारे बहाने थे मेरे पास में कि सर मैडम मम्मी पापा भी मुझे स्कूल नहीं भेजती थी, कभी तबीयत ख़राब है। आप सब भी इस तरह से बहाने मारे होंगे, अगर मारे हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अभी हम लोग सीधे सीधा चल रहे हैं नारायण फॉल मंदिर की ओर। यहाँ पे स्कूल है राइट, स्कूल की लाइफ जो होती है ना भाई काफ़ी अच्छी होती है। अगर ये लाइफ एक बार चली जाती है फिर दोबारा लौट कर नहीं आती है, तो जितना भी मस्ती करना है, जितने भी अच्छे से पढ़ाई करने हैं स्कूल के समय में ही करिए, क्योंकि स्कूल के समय में होता है क्या है कि किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है, खेलो कूदो पढ़ाई करो मौज मस्ती करो बस। और ये जो समय है रहता है ना पूरा लाइफ टाइम तक याद रहता है। तो यहाँ पे बारसूर, गीदम, दंतेवाड़ा, भीमरगढ़, बीजापुर, भोपाल पाटनम काफ़ी कुछ है। बारसूर भी जाता है इस साइड, दंतेवाड़ा भी इस साइड है। नारायण पॉल के लिए ये वाली रोड है। कोंडागांव नारायण पॉल ये वाली रोड गई हुई है। कोंडागांव यहाँ से 57 किलोमीटर है। गढ़वा नवा छत्तीसगढ़ NH30 रोड जो रायपुर को जोड़ती है। तो यहाँ पे एक पुलिया मिला है हम लोगों को, इसके नीचे में है इंद्रावती नदी जो आप लोगों को मैं दिखलाने वाला हूँ थोड़ा सा रुक कर। यहाँ का ब्यूटी यही है जो चित्रकूट गया हुआ है, वाटरफॉल के रूप लिया हुआ है। थोड़ा सा रुक के दिखलाते हैं आपको, जैसे अपना शिवनाथ नदी है वैसे ये इंद्रावती नदी है जो लबालब है पानी यहाँ का, पूरा चित्रकूट गया हुआ है। काफ़ी पानी है भाई यहाँ पर, एक नदी इधर से आ रही है एक नदी उधर से आ रही है, दो नदी मिलते हैं लगता है यहाँ से। अभी हम लोग नारायण पॉल के लिए यही वाली रोड, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है नारायण पॉल मंदिर। ये जाता है पूरा बारसूर, बारसूर में और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये देखकर,
हमारे बस्तर में इतना बड़ा नदी है और इससे बड़े बड़े और नदी हो सकते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा। ये क्या होगा, ताड़ी नारायण पर सेल्फी है। सेल्फी जगह जगह पे आपको सेल्फी मिल जाएगा, ताड़ी मिल जाएगा। बाइक को एक गर्ल्स चला रही है और तीन तीन गर्ल्स बैठे हुए हैं। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक गर्ल्स बाइक चला रही है, वो भी आराम से। ये जो गर्ल्स है ना, किसी से कम नहीं है। पढ़ाई करने में, काम करने में, घर संभालने में, बच्चों को संभालने में, जॉब करने में। फिलहाल सीधा ही चलना है, कोई बोर्ड मेंशन नहीं किया गया है मंदिर की साइड करके। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। जो हमारे मित्र है वो किसी ज़माने में आए थे, तो उन्हें भी ये रोड अच्छे से याद नहीं है। नक्सलियों ने तोड़ फोड़ दिया लग रहा है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, गाड़ी ख़राब हो गया है, पंचर हो गया। नारायण पॉल, तो यहीं से हम लोगों को जाना है, ये वाली रोड से। तो विष्णु मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है ऐसा करके मैं भी सुना हुआ था। आज देखने का सौभाग्य मिलने वाला है हमें। ये है, और ये ना पुरखोती मुक्तांगन, अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ भी नारायण पॉल करके मंदिर बनाए हुए हैं, ऐसे बनाए हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं गाइस। तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं मंदिर के पास में। ये है मेरे जस्ट पीछे साइड में। तो चलिए मंदिर पे जाकर देखते हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। तो यहीं पे हम लोग जूता चप्पल उतारते हैं, और यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं है। यहाँ आकर मैं बोर्ड पे देख रहा हूँ तो पता चल रहा है ये जो मंदिर है ये विष्णु भगवान जी का मंदिर है। निर्देश दिए हुए हैं जिसका कोई फॉलो करता ही नहीं है। कितना खूबसूरत ये मंदिर बना हुआ है, प्राचीन काल की ये मंदिर है। आप सोचिए कितनी पुरानी ये मंदिर है और अभी तक खड़ी है ये मंदिर। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, जैसे कि तैसे हैं। तो हम जूता उतारते हैं। पहले तो हम चारों तरफ आपको घूम के दिखलाते हैं, उसके बाद फिर मैं दर्शन कराता हूँ आप लोगों को। इसकी बारीकी देखिए, यहाँ पे मधुमक्खी है क्या है, थोड़ा बहुत घूम रहे हैं। बहुत जर्जर हालत में हो चुका है, लेकिन अभी भी अपन आसानी से देख सकते हैं, कहीं कहीं पे डैमेज हो चुका है। यहाँ पे गणेश भगवान जी की प्रतिमा है, कितना खूबसूरत सा दिख रहा है ये, बहुत शानदार भाई। उस ज़माने खुद सोचिए, ना कोई टेक्निक था, ना कोई वैज्ञानिक था, ना किसी प्रकार का कोई मशीन था। पत्थरों को काट काट कर इस तरह से पूरा मंदिर बनाए हुए हैं, जो हमारी बस की बात नहीं है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उस ज़माने में लोग कितना मेहनत करते थे। अब पत्थर को काट पाना, आप एक पत्थर को काट के बताइएगा कितना मेहनत लगता है, कितना टाइम लगता है। ये तो फिर भी एक मंदिर है जिसे हम देख पा रहे हैं। उस समय का नेचर, उस समय में जितने भी लोग थे बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, इस तरह से मंदिर बनाए हुए हैं। जगह जगह पे आपको प्राचीन मंदिर मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाहर में भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। अब बारी है अंदर दर्शन करने का। बाकी आप लोगों को मैं पूरा घूम के दिखला दिया हूँ मंदिर के पूरा। अब इसका इतिहास क्या है वो तो मुझे नहीं पता। अंदर चल कर दर्शन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सा भगवान विराजमान है। अरे वाह, काफ़ी शानदार सा है। चलो, यहाँ पे दिए जलाए हुए हैं, लोग पूजा करने के लिए आते हैं यहाँ पे। ये दिए जले हुए हैं। गुंबद देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ये, इसका डिज़ाइन। ये बड़े बड़े पत्थर हैं और सेम ऐसे ही बना हुआ है। इतना बड़ा तो नहीं बना हुआ है, पुरखोते मुक्तांगन में छोटा रूप में बना हुआ है। अंदर में है विष्णु भगवान जी,
अंधेरा होने की वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो घर बैठे दर्शन करिए विष्णु भगवान जी का। जो भी मनोकामना है भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। आपका अगर कभी भी चित्रकूट आने का होता है तो बिल्कुल नारायण फॉल मंदिर जरूर आइएगा। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा ये मंदिर बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, तो दर्शन किए बगैर मत जाइएगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। और इस तरह से मैं सिरपुर भी गया हुआ था, वहाँ भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर है, तो सिरपुर भी एक धार्मिक स्थल है जहाँ पे इस तरह से बहुत सारे मूर्ति आपको मिलेंगे, मंदिर मिलने वाले हैं जो ज़मीन से निकले हुए हैं। आई थिंक ये भी ज़मीन से ही निकले होंगे। आसपास में इस तरह से पूरा गार्डन है जहाँ पे आप थोड़ा देर बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अपने फैमिली के साथ में। तो आज का ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो पे।